राम राम भाई। सारे भाई ने ये दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल वाला मामला भाई हो, कॉन्स्टेबल में भाई काम चल रहा है। तो बताओ इन भाइयों तो बात करें, पहले दिखाऊं भाई ये बाण है कि मेरे वह आगे दे खड़े मलंग भाई बैठे हैं, वह बाकी बात करना आ रहे हैं भाई। राम राम भाई, कौन सा काम भाई? भाई अलवर से राजस्थान ने ही बच्ची गए राजस्थान वाले छा छा फुटे चीते। तेरा भाई अलवर है? अलवर है, मैं आर ग्राउंड में भी गया था अलवर में वीडियो। अच्छा ना, मैंने वीडियो बनाई थी। और बताओ भाई फिर क्यों करके कारवा के चल रहा है आज भाई? ये जॉइनिंग लेटर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ना, अपॉइंटमेंट लेटर जिसे। अच्छा जॉइनिंग लेटर बेरा अलग अलग है, कित जॉइनिंग है, ट्रेनिंग है, सेंटर बता रहे हैं, डेट बता रहे हैं। सेंटर बताओ मैं थरते है कि उसमें ट्रेनिंग होगी लिख के दे हैं। जैसे वजीराबाद है और झाड़ौदा है लड़कों का, द्वारका है लड़कियों का। वजीराबाद और झाड़ौदा छोरिया का, और वजीरा क्या अपना झाड़ वो है, द्वारका है वो लड़कियों का, लड़कियों का। फिर थारा क्यों कित के आया भाई? हमारा क्या है, वजीराबाद तो हो गया फुल बैच, वहाँ पे जितना बैच बनना हो गया, तो अब झाड़ौदा है। झाड़ौदा पास भी पड़े बेरा बहादुरगढ़ के, कितनी साथ में 5 किलोमीटर है बहादुरगढ़ है वहाँ पे। अच्छा नू तना बेरा पर नू है ना, मैं बहादुरगढ़ रहा हुआ हूँ तो बहुत पास में है, वजीराबाद तो बहुत अंदर है भाई। फिर और बता भाई कि मैं क्यों के प्रोसेस है आने से पहले थोड़ा ये था कि जैसे आप जैसे भाइयों की वीडियो देखते थे यूट्यूब पे कि भाई एनसीआर भी अपना नेशनल क्राइम रिकॉर्ड जो ब्यूरो है कि उसमें मिसमैच हो रहे हैं, बाकी तो थोड़ी टेंशन थी। आए तो देखा कि स्टाफ है जो काफी मतलब मददगार है, अच्छा अरे भाई है, कोई डॉक्यूमेंट ना भी हो तो थोड़ा कर देते हैं सपोर्ट। अच्छा बस यही था एनसीआर के कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है जो भाई बालकान दिक्कत ना हो, जो कल आओगे आगे आओगे। एक तो सर जैसे कि अपना ओबीसी जो आप फोरम में लगाया था और जो फिजिकल के टाइम दिया था, क्रूशियल डेट थी। अच्छा, वो लेके आए पक्का ठीक, और ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट प्लस तीन तीन फोटोकॉपी सेट करा लेंगे अच्छा रहेगा। तीन तीन फोटोकॉपी सेट है सारे ओरिजिनल। फिर इन्हें लिस्ट दे रखी, जो ओरिजिनल मांग रखी लिस्ट दे रखी? लिस्ट है जैसे अपने ऑफिशियल साइट खोलेंगे ना, हाँ हाँ दिल्ली। अच्छा उसमें लिस्ट है तो उसकी तीन तीन फोटोकॉपी एक ओरिजिनल, इन्होंने दो मांगी है। अच्छा इन्होंने यहाँ वहाँ पे दो लिख रखा है, यहाँ पे तीन हो रहे हैं। अच्छा अच्छा हैं। चलो भाई रियल वगैरह की तीन मांग रहे हैं। चलो ये यो मामला था कुछ और भाई, कुछ और ध्यान रखने जोगी बात के मोर। कितना टाइम लग जाएगा एक बालक का पूरा होने में? 10-15 मिनट में एक बालक का कंप्लीट हो जाए, अगर थोड़ा जल्दी प्रोसेस चालू कर देते तब तक बच्चे आधे हो जाते। अच्छा अच्छा चलो बहुत बढ़िया, मतलब एक नंबर चल रहा है, एक नंबर चल रहा है, मजा आ रहा है। बस ये था कि पहले YouTube पे जो वीडियो देखे जो हम लोग मतलब होपलेस हो रखे, डरे हुए थे। अच्छा डर देते तुम? हाँ एनसीआरबी का जो आप लोग मतलब एक चक्कर चलाया था कि एनसीआरबी अब भी है, बच्चे ये जो इधर बैठे हैं ये पूरे एनसीआरबी वाले हैं। अच्छा अच्छा एनसीआरबी का क्या चक्कर हुआ है? ये होता है किसी का क्राइम में नाम आ जाता है, जैसे मेरा नाम सोनू है, फादर का नाम सिंह है, तो जैसे कोई और सोनू हो। अच्छा अच्छा तो उसका क्राइम दिखा दे पापा के साथ मैच, यार ये तो गलत हो जाएगा। नाम तो सोनू तो बहुत वो वेरीफाइड हो जाता है बाद में। अच्छा अच्छा तो टाइम लग जाएगा ना, जैसे मैं हूँ अभी जॉइनिंग 2 महीने बाद मिलेगी। मान लो हम दोनों भाई हैं और इसका अगर मान लो नाम आ रहा है किसी और की जगह, इसका नाम आ रहा है सेम पापा का नाम मैच हो रहा है, तो इसको रोक लेंगे 2.5-3-4 महीने लग जाएंगे उस प्रोसेस में। तो मतलब प्रोसेसिंग लग जाएगी, ये इनकी कमी है कि जो चीज अगर आगे से पुलिस वेरीफाई करके भेज रही है, सही बात है, क्लीन चिट दे रही है, तो यहाँ से चक्कर क्यों फंसा रहे हैं? सही बात है भाई, ये दिक्कत क्योंकि उनका पहला ध्यान पहला तो उनका है, पीवीआर करा ही रहे हैं तो एनसीआरबी का चक्कर क्यों आ रहा है? चलो सही बात करी तने भाई, चलो बढ़िया। और कुछ भाई? और तो बढ़िया है भैया, बस कल परसों ज्वाइन करेंगे। भाई आते हैं जैसे जिन दिन वो ले रहे हैं ना अपॉइंटमेंट लेटर, उसे एक दिन छोड़ के ज्वाइन करें। हाँ हाँ बताई थी एक लड़की ने, बताई थी क्योंकि उसमें क्या होगा कि जैसे एक दिन का इनने भी प्रोसेस लग जाए इनका भी, क्योंकि एक अपॉइंटमेंट लेटर आपको देंगे, कलेक्ट रखते हैं यहाँ पे, उसको आगे भेजते हैं सेंटर पे, चलो वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ज्वाइन करें। ठीक है भैया, बस यही डॉक्यूमेंट और कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट एक नंबर की मौज कर। 10th होगा, 12th होगा, और अपने कास्ट के सर्टिफिकेट होंगे, और अपना DL होगा। हाँ बाकी साइट पे बताओ भैया, आपने मतलब फॉर्म भरते टाइम अगर ग्रेजुएट दिखाया तो ग्रेजुएशन मस्ट हो जाएगा, लेके आना पड़ेगा। अच्छा ग्रेजुएशन दिखाई, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल, तीनों मार्कशीट लानी पड़ेगी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर, तीनों मार्कशीट। चलो ठीक भाई, ओके फेंट है। के नाम है? अमित यादव। अमित यादव अलवर तेरा भाई। थैंक यू भैया ना, चलो देखता हूं आपको फॉलो कर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राम राम दादा, राम राम। राजस्थान है आपका? कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? अजमेर राजस्थान, रंगीलो राजस्थान, खंड का भी रंग बिरंगा बंद रखा। चलो बहुत बढ़िया लग गया जी भाई, यो चल गया किंग्स वे में भाई, यो भाई भी मिल गया। कौन सा काम है? अरे जींद आला, जींद नरवाना उचाना, जींद में धुम्मा ठावा है, तेरा भी बन गया काम? अरे गजब भाई, हो गया पक्का काम? हाँ हो गया। कितने टाइम लग गया? कुछ नहीं, टाइम तो घड़िया लगता, थोड़ा एक दे थोड़ा ही। अरे बहुत बढ़िया लग गया भाई सुन के, चलो फिट है। तो भाई देखो यो चल गया किंग्स वे में, देखो भाई ये बन रही ठीक भाई। अरे वह रे मलंग अपने चीते, यो दिखा दिया था दिल्ली पुलिस का ही बच्ची बच का पोटा, यो दिखा दिया भाई दिल्ली पुलिस का। ट्रेनिंग मिलने लाग रही है, जो भी मिलने लाग रही है उन भाइयों ने थारे एक एक बात बता दी है। ये भाई लाइन में लाग रही है अपने, हरियाणा बहुत घना भरिया पढ़िया, हरियाणा हरियाणा सारे है ठीक है भाई, एक नंबर माहौल है, हरियाणा हरियाणा सारे। राजस्थान रंगीलो राजस्थान ठीक है भाई। चलो इस वीडियो में इतना, क्यों मैं और पूछ रहा हूँ इंस्टाग्राम पर पोटा लोग मैसेज कर लियो भाई,
ठीक है, कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक पा जाओ, बने रहो भाई, और वीडियो आंदी रहेंगी, बताते रहें सारे मामले।